हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हिमली व्लॉग्स। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं उमलिंगा पास जाने के लिए, और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं वहाँ के लिए। और वो काफ़ी हाइट पे है, सबसे बड़ा पास वही है। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं वहाँ के लिए, और बने रहना आप लोग हिमली व्लॉग से। तो अच्छे अच्छे जो भी व्यूज़ होंगे रास्ते में आएंगे, आप लोग देखना, बिल्कुल मिस मत करना। सो मिलते हैं पास पे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानले। और अभी हम निकल रहे हैं अपने होटल से, होटल से निकल चुके हैं। टाइम हो रहा है 10:23, लेट हो गए बहुत ज़्यादा। 8-9 बजे निकलना था हमें और 10:30 हो गए, और हम जा रहे हैं उमलिंगा पास जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट पास है अभी तक का, और वर्ल्ड वो हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी है। तो देखते हैं एक बार उसको भी, क्योंकि उसके नियर के जितने भी पासिस है वो तो हमने सारे कवर कर लिए। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। आगे एक इंडिया चाइना बॉर्डर पे पड़ता है डैम चौक, वहाँ से 25 किलोमीटर आ गया। कोशिश करेंगे अगर जाने दिया तो वहाँ तक भी होके आएंगे। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात की जाए तो गाइस हानले में कोई नेटवर्क अभी अवेलेबल नहीं है। BSNL का नेटवर्क टावर लगा हुआ है लेकिन नेटवर्क उसमें भी नहीं आ रहा है। कभी आता भैया कह रहे, कभी नहीं आता है। तो ये वाटर क्रॉसिंग आज की पहली। और जियो आ जाएगा यहाँ पे कुछ टाइम बाद, तो देखते हैं। तो गाइस हमने उमलिंगा का पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया। अब ये पूरा 30 किलोमीटर तक ऑफ रोड है, और फिर आगे 30 किलोमीटर ठीक है, फिर आगे 25 किलोमीटर ख़राब है। और ये रास्ते यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि बोर्ड लगे नहीं हुए, बीच बीच में एक दो कट लगे हुए हैं, कट बने हुए हैं, और कोई बोर्ड नहीं है। तो आप आना तो थोड़ा ध्यान से आना क्योंकि उमलिंगा पास का कोई बोर्ड नहीं है और रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक ब्रिज आएगा, ब्रिज क्रॉस करना है आपको, और उसके बाद सीधा सीधा चलना है। उमलिंगा पास की चढ़ाई शुरू हो जाएगी और ऑफ रोड शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी नया पास है ये, इसके बारे में भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। रिसेंटली खुला है 1 साल पहले, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज ही हूँ। मैं भी एक बंदे से पूछूंगा अभी उमलिंगा का, पूछ लेते हैं एक बार किसी से। जुले उमलिंगा पास, उमलिंगा यही है। तो भाई जैसे कि आपने देखा कि मैं सही चल रहा हूँ, ये देखो ये जो बने हुए हैं ना इस ऑफ रोड के साथ साथ ये बने हुए हैं, तो बस आप यही मार्क करके चलते रहो, यही निशानी है लेफ्ट हैंड साइड में। वो देखो मैमूस, तो गाइस यहाँ पे हमें मैमूस दिख गए। रोड देखो, रोड कैसी है गाइस, बिल्कुल हानले से उमलिंगा पास 85 किलोमीटर है अप्रोक्स, और 25 किलोमीटर आगे पड़ता है डैम चौक जो कि लास्ट इंडियन बॉर्डर कह सकते हो आप, बॉर्डर पे जहाँ तक आप जा सकते हैं 25 किलोमीटर पड़ता है वो। कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर जा पाए तो जाएंगे। चक्कर ये ना गाइस क्योंकि बहुत लेट हो गए, और जिन्होंने जाना था वो सुबह सुबह सब निकल गए क्योंकि उमलिंगा पास आपको पता ही है डेंजर तो है ही, क्योंकि अभी खुला है, ज़्यादा पता नहीं है किसी को। पर हमारे होटल से भी होके आ चुके हैं सुबह, और स्नो लेपर्ड भी देखे गए हैं वहाँ पे। पिछले हफ्ते 2 बाइकर्स गए थे तो वो भैया बता रहे थे कि वो वापस आ गए क्योंकि उनको स्नो लेपर्ड दिख गया रास्ते में, पीछे पड़ गए थे तो वो उल्टा वापस आ गए क्योंकि उस समय ऑफ सीजन था। यहाँ का जो सीज़न का टाइम होता है वो भैया बता रहे थे जून और जुलाई, उसके बाद यहाँ पे स्नोफॉल होने लग जाती है कभी भी। तो ये दो मंथ्स ऐसे हैं कि आने के लिए ठीक हैं, टूरिस्ट भी अच्छा खासा आता है
कोशिश करो आप जून में आ जाओ या जुलाई स्टार्टिंग में आ जाओ, सही रहेगा। रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है ही नहीं रोड। नामी का ट्रक लिया था ना, ये 30 किलोमीटर का गाइस पैच पूरा ऐसे ही है, उसके बाद रोड आएगी बढ़िया और उसके बाद 25 किलोमीटर का फिर पैच ऐसे ही है। तो भाई रास्ता देख सकते हो बिल्कुल सुनसान है। सुबह सुबह राइडर्स आए थे, उस समय हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे वो कि उमलिंगा पास का रास्ता कहाँ से। हमारा होटल जो है बिल्कुल मेन रोड पे ही है और वहीं से होकर रास्ता निकलता है और यहाँ पे कोई है नहीं। क्योंकि सब जा चुके हैं, जो आने वाले होंगे वो भी पीछे होंगे अभी, और जो जा चुके हैं वो जा चुके हैं, निकल ही चुके हैं। रास्ता देखो गाइस कैसे बिल्कुल फ्लैट, कैसा रास्ता बना रखा है उमलिंगला का। सुबह 5 बजे बंदे गए थे और वो वापस भी आ गए और वो अब ले निकल गए। और ये देखो एक रास्ता यहाँ से निकल रहा है, एक रास्ता वहाँ से निकल रहा है। तो रास्ता देख रहे हो गाइस कैसा है निकला पास का, बट टायर के निशान के पीछे पीछे से जा रहे हैं और 10 किलोमीटर आ चुके हैं हम, 10 से 12 किलोमीटर और दूर दूर तक कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। बीच बीच में ही एक टोल लगा हुआ है एक, बाकी तो कुछ मेरे को नज़र आ नहीं रहा। चार बाइकर्स मिल गए हैं यहाँ पे, तो थोड़ी जान में जान आई क्योंकि दूर दूर तक हम जब से चल रहे थे तब से हमें कोई मिला ही नहीं। और ये रास्ता भी देखो अभी लेफ्ट में राइट में कोई है ही नहीं कुछ भी, ना कोई बोर्ड ना कुछ, ना लेनी ना देनी, पता ही नहीं चल रहा जा कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की लग रहा था। अब मिल गए बाइकर्स से ये पता चल जाता है कि हाँ हम चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। एक बार हौसला मिल जाता है ना कि हाँ चलो ठीक है, आप जिस रोड पे जा रहे हो बिल्कुल ठीक रोड है, क्योंकि आपके लेफ्ट में कोई है ना लाइट में कोई है, टायर का निशान है बस और कुछ भी नहीं है। तो हमें भी कम से कम 15 किलोमीटर तक आने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम कहीं गलत तो कोई रोड तो नहीं जा रहे, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, कोई नहीं है, ना कोई बाइकर है, ना कोई गाड़ी जा रही है, कोई है ही नहीं। तो इसलिए फिर हमें फिर फाइनली ये बाइकर्स आगे में जो दिखे नज़र आए, फिर मैंने थोड़ी सी भगाई और इनके पास लेके गया थोड़ा, फाइनली मैं इनके बिल्कुल नियर आ गया। तो अब हौसला आ गया कि हाँ ठीक है, जहाँ मैं जा रहा हूँ बिल्कुल सही जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी उमलिंगला ही जा रहे हैं, तो आप कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस आप भी जब भी आओ तो थोड़ा ध्यान से आना, अकेले आ सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी अगर कोई बाइकर नहीं होता तो हम भी अकेले ही थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अकेले नहीं आ सकते, आराम से आप आ सकते हो, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बस सीज़न में आना, कोई दिक्कत नहीं है, जून जुलाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। रास्ता देखो कैसा है गाइस, गाइस हमने इन चारों को पीछे छोड़ दिया है, अब हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। मुझे बताया गया था 30 किलोमीटर का ऐसे रास्ता है, आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है, बस इतना ही हो रहा है और आधा घंटा लगा हमें 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर। और अब ये चढ़ाई थोड़ी सी शुरू हो गई, अब मैं भी कंफ्यूजिंग था,
कि ये रास्ता है या ये रास्ता, पर नीचे से लग रहा है मेरे को ये वाला ट्रेल ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि इसमें स्लोप कम है इसका। ये तो बहुत खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। इधर से निकाल लेना आप, नीचे से निकाल लेना। तो भाई देखो ये यहाँ से एक रास्ता बिल्कुल ऊपर खड़ी चढ़ाई पे जा रहा है और एक ये रास्ता जा रहा है यहाँ से। मेरे समझ में नहीं आ रहा ना कोई रोड मैप ना कुछ, कहाँ कहाँ से रास्ते बना रखे, कैसे गए बाइकर्स पहले के समझ भी नहीं आ रहा। देखना ये रूट बढ़िया है या ये वाला, एक रूट इधर से जा रहा है। तो भाई रास्ता बहुत ख़राब है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो भाई सब रुक गए हैं क्योंकि कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा, ये रास्ता जा रहा है पर इतनी हाइट पे इतनी चढ़ाई पे चढ़ के जाना पॉसिबल ही नहीं है, ये जाएगा ही नहीं रास्ता ऐसे, इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ेंगे कैसे मिट्टी के साथ, वो भी पॉसिबल नहीं है, रास्ता ही नहीं है। ऊपर तो स्टीप है बहुत ज़्यादा, गलत ले लिया भैया क्योंकि मैं ऊपर से देखी आई वो रास्ते में दोनों मर्द हो रहे हैं ऊपर, वहाँ चढ़ ही नहीं पा रही, गिर जाएंगे नीचे। हाँ नहीं हो पाएगा, भर भर की मिट्टी है। इधर से बता रहे नीचे से, तो गाइस देखते हैं रास्ता भी समझ में तो आ नहीं रहा कुछ, कहाँ से कोई रास्ता बना हुआ है, टायर के निशान से ही देखेंगे अभी। रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा गाइस बिल्कुल किसी को भी। वो भैया देख के आ रहे हैं क्या, वो गाड़ी वाले भैया नीचे गए हैं अभी, आई थिंक कोई नीचे से रास्ता है, ये रास्ता तो खतरनाक है, यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है, घुमाने में एकदम हालत खराब हो गई। तो चलते हैं नीचे की तरफ देखते हैं अब। अरे वो गाड़ी वाला कहाँ से आ रही है, नहीं वो तो उससे पूछना पड़ेगा।
भैया वो लोकल है, लोकल उससे पूछो एक बार। तो कैसे भी रास्ता पूछने हैं उनसे कि जाना कहाँ से है। वो लोकल आया वहाँ ऊपर से पहाड़ी से उठाता हुआ नीचे, वहाँ से तो गाइस पॉसिबल नहीं है, ऊपर से तो पॉसिबल नहीं है, नीचे से बता रहे, नीचे से भैया चलो नीचे से बता रहे। तो गाइस नीचे से यू टर्न लेना है। हम ऊपर ले आए पहाड़ी के चोटी पे चढ़ने के लिए, पता नहीं यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है और टायरों का निशान नहीं बता रहा। अकेले होते तो पता नहीं गाइस कहाँ ही चढ़ जाते आज, उल्टा हो लेते होटल में, रास्ता ही नहीं मिलता। वो गाड़ी वाले भैया भी वहीं खड़े हुए हैं। उमलिंगला ही बन जाता आज तो, पता नहीं कहाँ जाके कहाँ ही पहुँच जाते आज। पास में कोई रास्ता ही नहीं है, ना कोई बोर्ड है, ना कोई साइन बोर्ड, ना कुछ पता ही नहीं चल रहा रास्ता जाना कहाँ से है। बोर्ड वही रास्ता पूछ रहे हैं, हम कंफ्यूज हो गए, यहाँ के लोकल हैं ये बता रहे हैं। तो रास्ता इतना कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा जाना कहाँ से है। दो रोड जा रहे हैं उमलिंगला की तरफ, एक लेफ्ट साइड से जा रहा है, एक राइट साइड से जा रहा है। लेफ्ट वाला जो है वो हम चढ़ नहीं पाएंगे, उतर सकते हैं लेकिन चढ़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत स्टीप पहाड़ी है, बिल्कुल सामने पहाड़ चढ़ना है। और उमलिंगला के वीडियो पे जो भी गया है अभी तक वो कोई भी पहाड़ चढ़ के नहीं गया है, वो इसी रोड से गया है। तो राइट वाला रूट ही चूज़ करना, टायर मार्क राइट साइड से जा रहे हैं, पहाड़ कोई नहीं चढ़ना है आपको। जो फर्स्ट 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना बस वही थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसके बाद आगे टायर मार्क रोड मिल जाएगा आपको। क्योंकि हम भी कंफ्यूज हो गए, हम भी पहाड़ चढ़ गए। तो राइट साइड में रखना, पहाड़ नहीं चढ़ना है। फर्स्ट 30 किलोमीटर के स्टेज में कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है आपको। तो देखते हैं आगे रोड कहाँ मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट 30 किलोमीटर तो हमारा होने वाला है, ऑलमोस्ट 25 तो हम वही आए, आई थिंक 5 किलोमीटर और रह गया। दो रास्ते जा रहे हैं, राइट साइड में ही रखना। क्योंकि गाइस कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है और कुछ भी नहीं लगा हुआ है, आपको खुद ही अपना दिमाग लगा के जाना पड़ेगा और थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना। क्योंकि रास्ता पहला तो 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर टर्मिक रोड बन जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट 30 किलोमीटर का स्टैच ही ख़राब है। ये देखो गाइस एक पास जैसा कुछ दिखेगा आपको, यहाँ से आगे रास्ता नहीं है, टायर मार्क फॉलो कर लेना। और अब निकलते हैं आगे, रोड आ गया। ये 30 किलोमीटर का पैच जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत ख़तरनाक है, तो थोड़ा ध्यान से आना आप। आगे हमें राइडर भी मिले हैं बहुत, जो कि मेरे को ऊपर जाते हुए दिखे हैं अभी। तो गाइस फाइनली वी डिड इट, अब तो हो ही जाएगा, बस ये 30 किलोमीटर का पैच है थोड़ा डिफिकल्ट है। मिट्टी इतनी है गाइस क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी स्पीड कर रही थी बाइक। भैया के बता रहे थे उनकी गाड़ी भी स्किड कर रही थी बहुत ज़्यादा टर्न्स पे। कहाँ से है टर्मिक रोड,
ऊपर चढ़ना है। हाँ ऊपर ही चढ़ना है। लगना के बहुत मेहनत करनी पड़ी गाइस। तो गाइस ये आ गई 10 करोड़ फाइनली। ये यस फाइनली 10 आ गया। आप पहुंच जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। ये 30 किलोमीटर हो गया अभी आगे 30 ऐसे ही बता रहे हैं अब ऐसे ही है सारा। तो फाइनली मेन जो था वो हो गया पार। अभी ऐसे ही रोड है अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मैं निकाल लूँगा। खड़ी चढ़ाई है गाइस पहली गियर में निकल रही है। आगे लिखा हुआ है कोई 36 क्या लिखा हुआ है जुड़सर 36 किलोमीटर। एडवेंचर ही हो गया आज तो। उमलिंगला के लिए तो बहुत एडवेंचर कर लिया हमने। आ रही से पता नहीं कौन सा पास आया बिटू आई डोंट नो। ये रहा गाइस वो पास नुरबुला टॉप 17,328 फीट बहुत हाइट पे है ये। तो हम नुरबुला टॉप पे पहुंच गए। नुरबुला टॉप जिसकी हाइट है 17,328 और ये रही हिमी। अब आएगा उमलिंगला 19,000 समथिंग फीट। देखते हैं ये रोड है ऊपर जा रहा है तो अब चलते हैं यहाँ से। अपनी वालियाँ रेडी है अपने को उधर जाना है इधर नहीं जाना इधर जाना है।